विजयनगर पुलिस ने ज्वेलरी लखपति बनने की चाह में नकली नोट छापने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से कई नकली नोट और प्रिंटर व अन्य सामग्री भी बरामद की है। आरोपियों ने नोट छापने के लिए एक कमरा किराए पर ले रखा था। जिला न्यायालय परिसर में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शराबी पति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। जब पति ने अपनी पत्नी पर हमला बोला तब उनके मासूम बच्चे भी साथ में थे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। दोनों के बीच किसी बात पर हुए विवाद में घायल हुई पत्नी को 108 एम्बुलेंस की मदद से एम्बा अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर थी। बीते चार वर्षों में जब भी कसाब का चेहरा नजर आता था तब जहन में केवल एक ख्याल आया कि आखिर कब इस दरिंदे को सजा मिलेगी। मगर अब दिल को इस बात की तसल्ली है कि देर से ही सही मेरे बेटे को इंसाफ मिला। ये जज्बात है उस माँ के जिसने मुंबई हमले में अपने लाल को खोया था। हालांकि जैन का कहना है कि ये तो महज पेट की कहनी थी, इसे खत्म किया गया जड़े तो अब भी देश में मौजूद है। चौतरफा गुटबाजी के भंवर में फंसी भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों एक सवाल बड़ी पहेली बना हुआ है और वह सवाल है कि अगला नगर अध्यक्ष कौन। इस पहेली को सुलझाने में कुछ दावेदार इंदौर भोपाल एक किए हुए हैं तो कुछ दावेदार अपने अपने नेता के दम पर इस पद को पाने की लालसा में जुटे हैं, जबकि कुछ लोग तो अध्यक्ष पद की दौड़ में ही नहीं है लेकिन उनका नाम भी चर्चा में बना हुआ है। धार्मिक ग्रंथों में प्राकृतिक संपदा के पूजन को खासा महत्व दिया गया है। यही वजह है कि भगवान के साथ साथ लोग पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। इसी कड़ी में आंवला नवमी के मौके पर गुरुवार को शहर की महिलाओं ने आंवले के पेड़ का विधि विधान से पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। पिछले कई दिनों से सुस्त पड़ी जीरो टॉलरेंस जोन की मुहिम एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन मुहर्रम पर्व के बाद मुहर्रम पर्व भी जीरो टॉलरेंस जोन का एक बार फिर विस्तार होगा। दिसंबर के पहले सप्ताह से जीरो टॉलरेंस जोन को जवाहर मार्ग पर भी लागू करने की तैयारी यातायात विभाग ने कर ली है। अपने बेटे के साथ महू जा रही एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में बेटा भी घायल हुआ है जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृत महिला रिटायर्ड फौजी की पत्नी है। चोरों ने बुधवार रात एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस को अपना निशाना बनाया। चोर यहां से 5000 रुपए और चांदी के सिक्के चुरा कर ले गए। चंद्रनगर पुलिस ने क्षेत्र के शातिर गुंडे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। नोवेल्टी मार्केट में सुबह व्यापारियों में जमकर लात घूंसे चले। दोनों व्यापारियों ने दुकान के सामने ही एक दूसरे को जमकर पीटा। इस विवाद के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि व्यापारियों का ये विवाद थाने नहीं पहुंचा। रानी सिटी गेट के पास एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रक रेमन मोटर्स पर आया था जिसमें दो पहिया वाहन थे। ट्रक कंपनी के गोडाउन में खड़ा हो रहा था, उसी समय हादसा हुआ। ट्रक को उसका चालक जब आगे ले रहा था तभी ब्रेक नहीं लगे और ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। दुर्घटना में सड़क के बीच लगे बैरिकेड्स टूट गए। सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का नाम सूरज खत्री सामने आया है। सूरज को रानीबाग के पास अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। सूरज अपनी बाइक पर सवार था। हादसे में गंभीर रूप से घायल सूरज को 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए एम्बा अस्पताल लाया गया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का नाम सूरज खत्री सामने आया है। सूरज को रानीबाग के पास अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। सूरज अपनी बाइक पर सवार था। हादसे में गंभीर रूप से घायल सूरज को 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए एम्बा अस्पताल लाया गया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। टेलर ने कपड़े तैयार करने में देरी की तो एक शख्स को इतना गुस्सा आया कि उसने टेलर की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है। यहां टेलर की दुकान संचालित करने वाले सुनील नारायण के साथ रिंकू ठाकुर नामक युवक ने मारपीट करते हुए उसकी दुकान में तोड़फोड़ भी कर दी। परदेशीपुरा स्थित राखोड़ी वाला धर्मशाला में अग्रवाल समाज के प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। श्री अग्रवाल पंचायत, अग्रवाल नव युवक मंडल और अग्रवाल नव चेतना महिला संगठन द्वारा यहां कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था।